हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम लोग आपके लिए लेके आए दो रेसिपी का कॉम्बो, जो कि दोनों बेबी कॉर्न से बनी हुई है। एक मसाला बेबी कॉर्न और एक बेबी कॉर्न शिमला मिर्च की सब्जी, जो देखने में बहुत लाजवाब लग रही है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और दोनों रेसिपी को पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें। मसाला कॉर्न बनाने के लिए मैंने बेबी कॉर्न को छोटा छोटा काट के हल्का सा बॉईल कर लिया एक मिनट के लिए। इसके लिए मैंने तेल गरम किया है, इसमें मैं डालूंगी जीरा, दो साबुत लाल मिर्च, दो छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और दो लौंग, थोड़ी सी हींग। इसमें मैं ऐड करूंगी दो कटे हुए प्याज, को तेल में हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मैंने चार टमाटर को पीस के उसकी प्यूरी बनाई है और दो हरी मिर्च डाली है उसमें। इसको ढक के थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। ये देखिए टमाटर और प्याज पक चुके हैं। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कटोरी पानी, इसमें डाल दूंगी बॉईल किए हुए बेबी कॉर्न। मैं ऐड करूंगी काजू का पेस्ट, काजू को भिगा के मैंने पीस लिए हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी पूरा शाही लुक देता है। अब इसको ढक के पका लेंगे। देखिए सब्जी ने तेल छोड़ दिए, तो सब्जी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कीजिए ताकि हमारी रेसिपीज का सबको फायदा हो सके। अब मसाला कॉर्न तो रेडी हो चुका है, अब हम लोग बेबी कॉर्न शिमला मिर्च की सब्जी रेडी कर लेते हैं। अगर आपके पास समय कम हो और आपका मन करे कुछ अच्छा खाने का, बेबी कॉर्न का सब्जी बनाने का, तो मैं आपके लिए बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ बेबी कॉर्न शिमला मिर्च की सब्जी। उसके लिए मैंने तेल गरम किया है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़े से पोस्तू से टेस्ट अच्छा आता है, और इसमें ये चॉप्ड ऑनियन, दो बड़े प्याज मैंने काट के रखे थे, कम समय में बनने वाली ये इजी रेसिपी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसमें मैं ऐड करूंगी ये बॉईल किए हुए बेबी कॉर्न, इसको
इसको भी थोड़ा देर के लिए तेल में फ्राई कर दूंगी। इसके मैं चार चार पीस करना भूल गई थी, इसको मैं बीच से भी काट देती हूँ। इसको काट के अगर पतला कर लेंगे तो इसमें मसाला अच्छे से जाएगा, उसका टेस्ट ज्यादा आएगा। एक्चुअली मैं भूल गई थी काटना। मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च पहले नहीं ऐड की, क्योंकि शिमला मिर्च को अगर ज्यादा पकाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो शिमला मिर्च को एकदम लास्ट में ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा नींबू का रस। नींबू से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आधा चम्मच घी। लास्ट में अगर सब्जियों में घी डाला जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं ये सब्जी कितनी शानदार बन के तैयार हुई है, झटपट बन गई। घर में कोई अचानक गेस्ट आ जाए और कुछ समझ में नहीं आए और अगर बेबी कॉर्न घर में हो तो आप आराम से इजिली ये सब्जी बना सकते हैं। चलिए अब इसे गरम गरम सर्व करके खाते हैं, खाने का मजा लेते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जन तक शेयर करिए।